हे गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ऑल द रेसिपीज जो मैंने अब तक बनाए हैं और जो मेरे भी बचे हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने बनाना स्टार्ट किया था वो था ये टॉप। उससे मुझे क्रोशिया आता भी नहीं था, तो सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी इम्परफेक्शंस हैं और इसको मैंने एलिवेट करने के लिए इसमें रिबन्स लगाए थे। पर जब ये बना था ना फर्स्ट, मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी क्योंकि मुझे ना जब मैंने फर्स्ट लाइन में डाली थी तो आई वाज लाइक कि अरे यार कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, बट ये सही बना। फर्स्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बना। अब मैं बताती हूँ सेकंड पीस, जो मैंने सेकंड पीस बनाया था वो मैंने इसके साथ ही बनाया था। वो था ये स्कर्ट। और इसे बनाने में जो बहुत टाइम लगा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तब तो बनाना ही नहीं आता था ना। तो पहले एक लाइन दो लाइन और मुझे लगा कि कभी ये कंप्लीट होगा भी नहीं। ऐसे स्कर्ट को मैं ऐसे संकरी बनाना चाह रही थी, पर तब तो मुझे क्रोशे करना आता नहीं था तो ये इतनी चौड़ी बन गई थी। पर मुझे इसको देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि फिर ये मैचिंग मैचिंग हुए थे ना, ये स्कर्ट ये टॉप। अब मैं दिखाती हूँ तीसरा, जो मैंने तीसरा प्रोजेक्ट बनाया था वो था ये टॉप। और ना तो मुझे पता नहीं था कि धागा कौन सा यूज़ करना होता है, ऊन कौन सी यूज़ करनी होती है, क्या यूज़ करना होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में सारे टॉप ऊन से बनाए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि धागे से बनाना होता है। तो फिर ये ना गर्मी का है ना सर्दी का है, बट मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब इसे पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। नाउ फोर्थ इसके बाद मैंने बनाया था, हाँ इसके बाद बनाई थी मैंने एक ड्रेस, ऊन की ड्रेस है, वो बहुत मोटी सी है, वो भी मेरे पास है नहीं, पर मैं उसकी फ़ोटो दिखा दूँगी आपको। बगल में काम चल रहा है और इतनी आवाज़ें आ रही हैं। सो व्हाट कैन वी डू। उसके बाद बनाया था मैंने ये, आप देख सकते हो मेरे सारे कलर रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि उस समय मेरे पास यही ऊन थी, तो जो घर में ऊन थी मैं उन्हीं से बना रही थी क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना। तो मैं सोच रही थी कि नया ला के क्या फ़ायदा, पहले मैं देखती हूँ मैं बना पाती हूँ कि नहीं। सो इसके बाद मुझे पता चल गया था कि ऊन से नहीं बनाते हैं। फिर मंगवाया मैंने धागा और मुझे मालूम नहीं था कितना बारीक धागा मंगाना है, तो फिर मैंने मंगवाया धागा जो निकला मोटा। फिर बनाया मैंने ये वाला, और जो इसका रियल पीस था जो मैंने किससे बनाया था, चाहे चेंडे या DIY से, तो नहीं किसी और से बनाया था मैंने। उसके बाद जो इतनी सुंदर थी, इसके बाद जो अच्छी बनी, लेकिन ये ना ऐसे ऑफ शोल्डर हो जाता है, ये ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं बनता। बट फिर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं अब तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ क्योंकि मैं इसकी बाजू बना पाई थी, कैन सी। और मुझे इट वॉज अ मास्टर पीस फॉर मी एट दैट टाइम। इसका धागा भी बहुत मोटा आया तो फिर मैं इसको भी ज़्यादा पहन नहीं पाई क्योंकि ये बहुत हैवी है, बहुत मोटा है, तो इसको तुम गर्मियों में नहीं पहन सकते हो। बट इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने वो किया था एम्ब्रॉयडरी, इट्स प्रिटी। फिर बनाया मैंने ये वाला, इसके लिए मैं बारीक धागा ले आई थी और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। मुझे इसका कलर भी बहुत पसंद आया था, पर इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी तो मैंने इसमें लगाई थी चेन, देखो, और ये चेन खुल गई। तो फिर उसके बाद मैंने भी ठीक की नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पहना नहीं है। इसके बाद है मेरा फेवरेट, जो मैंने इतना पहना है, दिस वन। ये तो मैंने मतलब बहुत बहुत बार पहना है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। अभी ऐसे ही देखने मैंने, पर पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। मैं सबकी फ़ोटोज़ यहाँ लगा दूँगी, आप देख सकते हो कैसा लगता है। नेक्स्ट है ये एक ट्यूब टॉप है। मैं सर्च कर रही थी कि कुछ नया बनाने के लिए, मैं कुछ सर्च कर रही थी, फिर मुझे एक वीडियो दिखी इस टॉप के ट्यूटोरियल की, फिर मैं बनाया। और जब मैं इसे बना रही थी ना, ये इतना खास नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो कंप्लीट कर देते हैं, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन जब मैंने इसे कंप्लीट किया और जब मैंने इसे पहना तो ये बहुत सुंदर लग रहा था सच में। मतलब बनाते हुए तो सबको मुझे नहीं, सिर्फ सबको ही ऐसा लग रहा था कि अरे सो, लेकिन पहन के काफ़ी अच्छा लगा। इसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट दिस वन, और ये तो काफ़ी लोगों का फेवरेट है, सोना का तो फेवरेट है, येल्लो एंड पिंक। और इसमें क्या हुआ था, मैंने इसे बड़ा बनाने वाली थी, मेरे को मतलब इतना तो पूरा कंप्लीट करना था। जब मैंने इसे यहाँ तक बनाया तो मेरे येल्लो धागा ख़त्म हो गया और फिर ना मेरा मन नहीं था मार्केट जाने का, तो फिर मैंने छोटा ही बनाया, मैंने कहा चलो फ्लावर बना देते हैं। फिर जब अपना बैग चेक कर रही थी उसमें मुझे येल्लो धागा मिला, मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि इतना छोटा सा बन गया। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसे पहनने में, इसके अंदर से आपको कोई सही इनरवियर चाहिए तभी आप इसे अच्छे से पहन सकते हो। उसके बनाया मैंने अपना आइसक्रीम टॉप,
और इस ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ना कोई भी आप देख सकते हो, ये लेमन स्टिच से बना है। हाँ लेमन स्टिच है, इसमें कहीं भी आपको कोई एक भी कमी नहीं दिखेगी। मतलब मैंने इतना परफेक्ट बनाया है इसको, जब मैंने बनाया तो मुझे लगा कि हाँ अब मुझे अच्छे तरीके से आ गया है बनाना। और ये ना मेरी ऊन बाकी बची थी, क्योंकि बाकी तो मैं बना रही थी, तो जो मेरी ऊन बची तो उनसे मैंने ये टॉप बनाने का सोचा। और जब मैंने बनाया, जब ये इतना पूरा कंप्लीट हो गया था, मुझे लगा ये तो बहुत छोटा बन गया, अब मैं क्या करूँगी। और तब ना ये भी फिट नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं जो ये है ना पीछे, इसको यहाँ लगा रही थी। मैं कह रही ये तो यार बहुत छोटा हो गया, मैं कैसे पहनूंगी, फिट ही नहीं आ रहा है। फिर मुझे रितिका ने बताया कि अरे दीदी यहाँ से डालोगे तो उसके बाद से भी फिट आता है, बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट ओ ये वाला, इसके लिए क्या होता है मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। मेरा बहुत इच्छा था ऐसे ब्रालेट बनाने की, बट मुझे ना कुछ डीप नहीं बनाना था, जो बहुत डीप हो जो मैं पहन ही ना सकूँ, वो पहन ही नहीं जाता। और कहीं भी इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं कोई और टॉप बना रही थी, मुझे याद नहीं कौन सा, पर मैं कोई टॉप बना रही थी। ऐसे ढूंढते मुझे एक इसका ट्यूटोरियल मिल गया, ऐसा जो कंप्लीट हो, मतलब एकदम इतना खुलासा भी ना हो। फिर मैंने बनाया ये, और ये शायद मैंने 2 दिन में बना दिया था। हाँ फिर ना उसके बाद मेरे पास एक कुछ था जिसमें ये लगे हुए थे, फिर मैंने उनसे निकाला और फिर मैंने इसमें लगाया। बट ये ना कलर छोड़ने लगे हैं, तो ये थोड़ा ख़राब हो गया है, बट ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये तो बहुत ही सुंदर लगता है, आप इतना ज़्यादा से पहन नहीं सकते हो कहीं भी, क्योंकि इट इज़ वेरी शॉर्ट, बट ये सुंदर बहुत लगता है। नेक्स्ट इज ये जो मैंने अभी लेटेस्ट कंप्लीट किया है। इसको ना जब मैंने इसका पहला बनाया, मुझे ना बस इसका पैटर्न अच्छा लगा था, मुझे पता नहीं था मैं इसका क्या बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि स्कर्ट बनाऊं, टॉप बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक बनाया, दो बनाया, तो 9 बना दिए थे। अब मैं कह रही अब मैं क्या बनाऊं, मेरे टॉप बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने इतने सारे टॉप बना दिए थे तो मेरा मन नहीं था। फिर जब इतने सारे बने गए तो मैंने कहा चलो स्कर्ट ले, तो कितना सारा चाहिए, तो मैंने कहा छोड़ो यार टॉप ही बनाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं और क्या क्या बनाया है। एक मैंने बैग बनाया है जो मेरी दी के पास है, छोटी वाली दी के पास। दूसरा मैंने एक बंडाना बनाया था, वो मेरी बड़ी दी के पास है। एक और बंडाना बनाया है, वो घर पे है शायद। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोजेक्ट्स जो मेरे प्रोसेस में है, लाइक दिस वन। मैंने ना ये सब इतना बनाया था पहले, इतना छोटा सा। फिर मुझे लगा ये तो बहुत छोटा बन रहा है, इसमें कोई और कलर मिलाया जाए। फिर मैंने पर्पल बनाया, ये भी मैं अपने एक फ्रेंड के लिए बना रही हूँ, और ये सुंदर है। अभी इसका भी काम बहुत सारा बाकी है। दूसरा जो मैं शायद कंप्लीट कर दूँ कुछ दिनों में, ये इसमें ये तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें इतने सारे कलर हैं। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊंगी। शायद मैं स्कर्ट टॉप बनाऊँ या सिर्फ स्कर्ट बनाऊँ, बट कुछ सोचा है मैंने। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। नाउ द लास्ट वन, ये बनाया है मैंने पुन्नू के लिए, और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई इसे बनाने में, क्योंकि जो वाला टॉप था, ये टॉप नहीं, जो वाला कॉर्नर था वो नीचे के लिए बनाया था मैंने, और मैंने सोचा था कि ऊपर पूरा कंप्लीट बनाऊंगी, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो खाली खाली अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, भूल गई मैं कि मैंने ये बनाया, पर फिर ना बनाते बनाते ये ना बहुत अजीब सा लग रहा था नीचे से, तो फिर मैंने इसे चेंज कर दिया। फिर मैंने इसको ऊपर की साइड बना दिया। तो ऊपर की साइड बनाने के बाद भी अभी भी इसमें थोड़ा बाकी है, क्योंकि ना जब इसे पहनते हैं, जो कि हम इसे ऐसे पहनते हैं, तो ये चीज़ ना थोड़ा खाली खाली सी लगती है। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं इसमें यहाँ से भी स्ट्रिप्स बनाऊंगी, फिर इसे जब कंप्लीट कर दूंगी तब पुनः को दे दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जब मैं कोई नए क्रोशे पीस बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। बाय।